हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि बच्चों में कैल्शियम की कमी के क्या कारण हैं, किन कारणों से बच्चों में कैल्शियम की कमी हो रही है और उस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए, और सबसे फर्स्ट कि उसके लक्षण क्या हैं। कई बार बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है लेकिन पता ही नहीं चलता और वो आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और बच्चों के कैल्शियम युक्त आहार कौन से हैं। कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। यह न केवल बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उन्हें शारीरिक विकास कम हो जाता है। बच्चों के लिए एक ऐसी समस्या बन जाती है, जो बच्चे स्पेशली माँ का दूध पी रहे हैं उनमें कैल्शियम की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ। बच्चों के लिए कैल्शियम क्यों आवश्यक है। कैल्शियम शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह मांसपेशियों को ठीक रखने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र व हृदय के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कैल्शियम हड्डियों को विकसित करने का काम करता है, हड्डियों में द्रव्य बना के रखने का काम करता है। जो पहला साल होता है बच्चे का, उस टाइम बच्चे की बॉडी मास बढ़ता है। इस दौरान उसके वजन में बढ़ोतरी होती है। अगर बच्चे का बॉडी मास उचित तरीके से बढ़ रहा है तो समझ लीजिए बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं। इसके अलावा जानते हैं कि बच्चों में कैल्शियम कितना होना चाहिए। 6 माह से कम उम्र के बच्चों में 200 mg, इसके अलावा 6 महीने से 11 महीने के बच्चों में 260 mg, 1 साल से 3 साल के बच्चों में 700 mg और 4 साल से 8 साल के बच्चों में 1000 mg कैल्शियम होना चाहिए। अब जानते हैं कि इस कैल्शियम की कमी के क्या कारण हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं, छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उन्हें कैल्शियम की कमी के क्या कारण हैं ये जान लेने बहुत ज़रूरी है। अगर जन्म के दौरान बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो, अगर माँ को शुगर हो यानी डायबिटीज़ हो, तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध देने से हाइपोकैल्शियमा एक समस्या है, वो हो जाती है क्योंकि उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है गाय के दूध में। और 1 साल के बच्चे को अगर गाय का दूध पिलाया जाए तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी है तब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे के जन्म के समय उसमें कैल्शियम की कमी है तब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अब जानते हैं कि इस कमी के लक्षण क्या हैं। कई बार समस्या ऐसी हो जाती है जिसे फेस करना मुश्किल हो जाता है। कैल्शियम की कमी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट, अगर आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है। सेकंड, अगर उसकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, ऐंठन रहती है। अगर बच्चे के हृदय की गति बहुत धीमी है। इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार झटपट हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे की रक्तचाप जो है वो बहुत धीमा है। कैल्शियम की कमी का एक और भी लक्षण है, वो ये कि बच्चों के अगर दांत कमजोर हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होने पर बच्चे रात के समय सही से सोते नहीं हैं, उनको सिर में पसीना आता रहता है। तो अब जानते हैं, ये थे लक्षण, अब जानते हैं कि इस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए। बच्चों की डाइट में सुधार करके हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर कैल्शियम की कमी ज्यादा हो जाए तो आप डॉक्टर से मिलिए। बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उन्हें कुछ देर धूप में रखिए। धूप में बहुत फायदा होता है, उसमें बहुत सारा विटामिन डी होता है जिससे कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है। अगर आप बच्चे को गाय का दूध दे रहे हैं तो बंद कर दीजिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, लेकिन गाय का दूध नहीं दें। अगर आपका बच्चा 1 साल से ज्यादा का है तो आप उसे डायरी का दूध दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को जन्म के समय से ही हाइपोकैल्शियमा है तो अब जानते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो बच्चों के लिए कैल्शियम युक्त। सबसे पहला है डायरी उत्पाद। डायरी उत्पाद कैल्शियम का बेहतर स्रोत है। आप अपने बच्चे को दूध, पनीर, दही, इन चीजों को दीजिए। दूसरा है संतरा। वहीं संतरे में कैल्शियम पाया जाता है, आप बच्चे को संतरा बहुत आसानी से दे सकते हैं। तीसरी चीज है सोया। सोया में काफी कैल्शियम पाया जाता है, आप इसका सेवन भी बच्चे को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बादाम। बादाम में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आप अपने बच्चे को बादाम खिलाइए। पांचवी है ब्रोकली। ब्रोकली का सेवन करना बहुत फायदेमंद है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है जो आपके बच्चे की कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर देगा। 6वां है बीन्स। बीन्स में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी बीन्स खाने से भी पूरी हो जाती है। 7वां है हरी सब्जियां।
हरी सब्जियां आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं। इसमें पालक, केला, सरसों का साग, इनमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, आपके बच्चे को खाने को ज़रूर देनी चाहिए। इसके अलावा हरे मटर में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, आप इसे बॉईल करके बच्चे को दे सकते हैं। दालों में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, आप अपने बच्चे को पतली सी दाल का पानी पिला दीजिए, पतली सी दाल पिला दीजिए चाहे। नेक्स्ट है तिल के बीज। तिल के बीज में बहुत सारा कैल्शियम होता है, सर्दियों के दिनों में मीठे व्यंजनों में तिल डालकर खिलाया जा सकता है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन जो हैं वो अंडा अपने बच्चे को दे सकते हैं, अंडे में बहुत सारा कैल्शियम होता है प्रोटीन के साथ साथ। इसके अलावा मछली और मांस में भी कैल्शियम होता है, आप वो भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये थी बहुत खास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल बच्चों में कैल्शियम की कमी बहुत है और इसके लक्षण, कारण और इसका इलाज जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।